70 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। ये बड़ा डॉक्टर हो गया 21 साल। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, जब 18 साल है तो जो कौन सा बड़ा वैज्ञानिक हो गया भैया शिवराज, कौन सा बड़ा डॉक्टर हो गया तो 21 साल करने वाला। भाई डॉक्टरों की रिपोर्ट है ये बच्चियों के बारे में, 15 साल में प्रजनन के उपयोग पाई जाती है। तो 18 साल परिपक्व हो गई बच्ची ये माना जाता है वैज्ञानिकों से, उसे रहना चाहिए। 21 साल का लॉजिक आप बता दो शिवराज की तरफ से, आप भी बता दो, चलो क्या लॉजिक है 21 साल की, क्यों होना चाहिए शादी की उम्र? 17 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। ये बड़ा डॉक्टर हो गया 21 साल। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, जब 18 साल है तो जो कौन सा बड़ा वैज्ञानिक हो गया भैया शिवराज, कौन सा बड़ा डॉक्टर हो गया तो 21 साल करने वाला। भाई डॉक्टरों की रिपोर्ट है ये बच्चियों के बारे में, 15 साल में प्रजनन के उपयोग पाई जाती है। तो 18 साल परिपक्व हो गई बच्ची ये माना जाता है वैज्ञानिकों से, उसे रहना चाहिए। 21 साल का लॉजिक आप बता दो शिवराज की तरफ से, आप भी बता दो, चलो क्या लॉजिक है 21 साल की, क्यों होना चाहिए शादी की उम्र?